राहुल गांधी को सुप्रीम राहत के बाद विपक्षी एकता को नई संजीवनी मिली है। विपक्ष नए जोश के साथ आगे की रणनीति में जुट गई है। इसी को देखते हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में होने वाली अगली बैठक की तारीख भी तय हो गई है। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। पटना और बेंगलुरु के बाद इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है, जिसकी अगुवाई उद्धव ठाकरे की शिवसेना करेगी। इसे लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने जानकारी दी है। पटना और बेंगलुरु के बाद इंडिया की मीटिंग, इंडिया समिट, ये मुंबई में होगा 31 अगस्त, 31 अगस्त और 1 सितंबर को। और इस मीटिंग का आयोजन यानी होस्ट उद्धव ठाकरे जी यानी शिवसेना करेगी। हमारे साथ हमारे साथी कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रहेगी। बता दें कि इंडिया गठबंधन की इस बैठक से पहले शनिवार को मुंबई के नेहरू साइंस सेंटर में महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई। बैठक में तीनों दलों के बड़े नेता शामिल हुए। एनसीपी की तरफ से शरद पवार, जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले और अनिल देशमुख शामिल हुए, तो कांग्रेस की तरफ से अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान, बालासाहेब थोराट, नाना पटोले शामिल हुए, जबकि शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे, संजय राउत और अनिल देसाई शामिल हुए। इस मीटिंग में विपक्षी गठबंधन की बैठक की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। तीनों ही दलों की तरफ से 5-5 नेताओं की एक टीम गठित की गई है, जो मीटिंग की तैयारी करेगी। संजय राउत ने बताया कि 31 अगस्त की शाम उद्धव ठाकरे की तरफ से विपक्षी नेताओं के लिए डिनर का आयोजन किया जाएगा। दूसरे दिन यानी 1 सितंबर की सुबह 10 बजे विपक्षी दल इंडिया की बैठक शुरू होगी। मीटिंग में विपक्षी दलों के कई नेताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। आज के मीटिंग में शरद पवार साहब थे, सुप्रिया सुले जी थी, पृथ्वीराज चव्हाण साहब थे, नानाजी पटोले, अशोक चव्हाण, सभी कांग्रेस के नेता थे। और हमने तय किया 31 अगस्त और 1 तारीख को इंडिया समिट होगा मुंबई के ग्रैंड हाइट होटल में। और पूरी तरह से हम जोर लगाकर ये हमारी मीटिंग सक्सेस करेंगे। मुंबई में होने वाली विपक्ष की इंडिया की बैठक में राहुल गांधी को लेकर खास तैयारी कर रही है। राहुल गांधी के मुंबई आने पर उनके भव्य तरीके से स्वागत की भी तैयारी है। और ऐसे भी संभावना जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी गठबंधन राहुल गांधी को कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल को मिली राहत के बाद पूरे देश में कांग्रेस में नया जोश भर दिया है। ऐसे में राहुल को किसी बड़ी जिम्मेदारी का मिलना उनके जोश को और दुगुना कर सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।